अस्सलाम वालेकुम टॉप क्लास। आज हमारा उर्दू की बुक में हमारा टॉपिक है ज़बर वाले हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाकर अल्फाज बनाना। ठीक है, जैसे हमने जोड़ तोड़ किए ये वैसे ही हैं। अब उन्होंने कहा हुआ है जो हरूफ तहजी हैं उन सब को हमने दूसरे वर्ड्स के साथ मिला के तो हमने एक वर्ड बनाना है। ठीक है, वो हमारा आज का टॉपिक है और आज हमारा पेज नंबर है 42। तो प्रेप क्लास हमने पहले किए ज़बर वाले हरूफ, हरूफ तहजी हमने सारे ज़बर वाले किए और मैंने बताया अगर वर्ड के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी हो उनको उस लाइन को हम क्या कहते हैं ज़बर। ठीक है, तो वो कहाँ होती है वर्ड के ऊपर, ये हमने किया। अब देखें ये सारे ये क्या है, ये ज़बर है। ठीक है, मैंने कहा हुआ है ज़बर वाले हरूफ को दूसरे ठीक है हरूफ से मिलाकर अल्फाज बनाना। ठीक है, ये हमने आज सीखना है। तो हम करते हैं, सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है बे ज़बर और सीन, तो ये क्या बन गया बस। ठीक है, बे ज़बर सीन बस। नेक्स्ट है टे ज़बर बे टब, क्या बन गया टे ज़बर बे टब। नेक्स्ट है पे ज़बर, ठीक है पे, अब उन्होंने कहा हुआ हमने पे को मिलाना है अरे और हे की बानी के साथ। ठीक है, जो दो जिसमी हरूफ है उसके साथ हमने मिलाना है, तो ये बन जाएगा पे ज़बर अरे हे, तो ये बन गया पढ़। ठीक है, क्या बन गया पढ़। नेक्स्ट है ये पढ़ वो होता है जो हम कहते हैं पढ़ना, ठीक है रीडिंग करना ये वो वाला है। ठीक, उन्होंने कहा हुआ है नेक्स्ट चे ज़बर, अब यहाँ हमने जे को किसके साथ मैच करना है, किसके साथ मिलाना है लाम के साथ। ठीक है, तो क्या बन गया चे लाम, चे ज़बर लाम चल। ठीक है, ये देखें जैसे अगर हमारे पास ये वाले वर्ड्स हों तो हमने उनके जोड़ तोड़ में हमने इनके तोड़ लिखने हो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इस वर्ड में चे, ठीक है फिर हम क्या लिखेंगे लाम, अब हमने इनको मिलाना है। ठीक है, चे ज़बर लाम क्या बन गया चल। नेक्स्ट है सीन ज़बर चे, तो क्या बन गया सच। ठीक है, अगर आपको कहा हो कि इस वर्ड के आपने तोड़ लिखने हैं तो आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सीन फिर प्लस चे, तो क्या बन जाएगा सच। अब हमने इसको मैच किया तो क्या बन गया सीन ज़बर चे सच। ठीक है, तो प्रेप क्लास आपने ये अच्छे से याद करने हैं और साथ में इनको लिख के भी देखना है। ठीक है, अपनी रफ़ नोटबुक पे या रजिस्टर पे आपने इन वर्ड्स को लिखना भी है। तो आज का हमारा उर्दू का बस इतना ही पेज है, ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।